एटमॉस्फेयर बनाना है, अच्छे से पढ़ना है चीजों को। तो इसलिए बेटा मैं एक्सपेक्ट करूंगा तुम लोग खूब मेहनत करो और लग के पढ़ो। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं, और कोशिश हमेशा रहेगी ये जितने भी इंट्रेंस एग्जाम मेडिकल वेडिकल जो भी हैं आपके, जितने भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन बेटे, अब इस समय का पेपर जो है बेटा बोर्ड लेवल से कई बार हमारे बोर्ड के बच्चों से भी आसान आता है, जैसे हम आपको न्यूमेरिकल का तो उससे भी बहुत आसान आता है। तो फिर एकदम बढ़िया समझते हुए चीजों को हमें चलना है, करना है। एक चीज, एक टॉपिक था बेटा इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस पे हम लोग बात भी कर रहे थे बेटा। इलेक्ट्रोलिसिस बेटा कराई जाती है हमेशा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भैया, इसमें कराई जाती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। आप इसको डिफाइन कैसे कैसे करते हो बेटा, ये है प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन, प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन। मैं आपसे ये पूछा था आप सभी बच्चों फैराडे के नियम को मैंने पढ़ाया कि नहीं, मुझे जरा बता दीजिएगा एक बार। प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन आप किस चीज का बेटा, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट को बेटा ब्रेक करना किसकी प्रेजेंस में बेटा, इलेक्ट्रिसिटी की, बाय द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एज, इसी को क्या बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोलिसिस, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस, इसको बोला जाता है बेटा इलेक्ट्रोलिसिस बोला जाता है। और ये हमेशा किस में कराते बेटा, एक सेल के अंदर कराया जाता है, उस सेल को क्या बोलते भैया, एक मिनट सॉरी, उस सेल को क्या बोलते बेटा, उस सेल को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उस सेल को क्या बोला जाता है बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोला जाता है भैया। एक सेल है बेटा, इस तरह से एक सेल होता है, एकदम बढ़िया से चीजों को चलिए। और आप लोग क्लास में इन्वॉल्व होकर, कई बार ऐसा लगता है जिससे सिर्फ मैं अकेले ही हूँ इसलिए उस क्लास में थोड़ा इंटरेक्टिवनेस नहीं आती, तो जब जरूरत पड़ेगी आप अपने सवाल पूछ लिया करो बेटा, क्वेश्चन पूछ लिया करो, कभी कोई हेजिटेशन नहीं रखना है, ठीक है। और चलिए देखते हैं, इससे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मैं स्ट्रक्चर ड्रा करने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। इसमें जो है दो इलेक्ट्रोड होते हैं, इस तरह से इलेक्ट्रोड मेटल के होते हैं बेटा, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बेटा। दो इलेक्ट्रोड होते हैं बेटा, और इनको एक सेल से जोड़ दिया जाता है बेटा, एक इनको सेल से जोड़ दिया जाता है, जिसे आप देख पा रहे हो ऐसे, एक सेल से बेटा इनको जोड़ दिया गया, ठीक है। इलेक्ट्रोड से बेटा इनको एक सेल की मदद से भैया जोड़ दिया गया है, और ये इलेक्ट्रोड है आपके जो आप देख पा रहे हो, इलेक्ट्रोड को बेटा यहाँ पर ऊपर जो है सेल की मदद से जोड़ा गया है, ठीक है। इलेक्ट्रोड को मैं रंगने की कोशिश वैसे कर रहा हूँ, देखो सक्सेस हो जाता हूँ, ये हो गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड एक है, एक और इलेक्ट्रोड है मेरे पास यहाँ पे, तो दो इलेक्ट्रोड बेटा एक सोल्यूशन में डूबो जाते हैं एक्चुअली। इसमें आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी मैंने यही पढ़ा था कुछ दिन पहले ही, कि जब किसी मेटल की रॉड को उसके साल्ट के सोल्यूशन डूबोते हो तो मेटल रॉड और सोल्यूशन के बीच में पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऐसा पढ़ाया था आपको पीछे, यहाँ मैं रिपीट उसको नहीं करूंगा। तो ये इलेक्ट्रोड हो गए बेटा, एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा, और इसके अंदर बेटा जो लिक्विड भरा होता है उस लिक्विड को हम लोग बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइट। तो ये एक सेल का कंपोजिशन है, स्पेशली उस वाले सेल का बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इसके अंदर बेटा एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, इसको क्या बोलोगे भैया, इसको बोल देते हो आप एनोड है, ये है बेटा एनोड, और इधर बेटा ये है कैथोड, और इसके अंदर जो भरा हुआ है बेटा इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट है बेटे। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है। ये एक सोल्यूशन है बेटा, और इनमें जो भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो कई चीजों पर डिपेंड करेगा बेटा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन बेटा कई चीजों पर डिपेंड करता है, और किन किन चीजों पर डिपेंड करता है उस पर हम लोग बात करते हैं, किस किस चीज पर डिपेंड करता है। सबसे पहली बात है बेटा एलिमेंट की पोजिशन क्या है, एलिमेंट अरे टू डी सीरीज में या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कहाँ है, इसका या आप समझ सकते हो ये रूल भी मैं लिखता हूँ एक तरह से। तो द एलिमेंट बिलो द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक दिन मैं आपसे शेयर किया था लेके 12000 का नाम वाली जो कहानी थी वही है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। द एलिमेंट बिलो द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिपॉजिट फर्स्ट, मैं इसको लिख दे रहा हूँ अभी आपको बता रहा हूँ ये मैं क्या लिख रहा हूँ, अभी आपके सामने नहीं आएगा तुरंत। दूसरी बात ये है रूल्स क्या है, मैं पहले यहाँ नोट कर दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात ये है बेटा कि जो एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा उस पर डिपेंड करेगा, उसके नेचर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोड के नेचर पर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे जो डिपॉजिट होने जा रहा है इन पर, कैथोड या एनोड पर जो डिपॉजिट होगा या निकलेगा वो किन चीजों पर डिपेंड करेगा वही हम लोग देख रहे हैं। एक्टिव इलेक्ट्रोड है
जैसे एक्टिव इलेक्ट्रोड है, जैसे कापर या एजी का है, या बेटा इनएक्टिव इलेक्ट्रोड है, या भैया फिर इनएक्टिव इलेक्ट्रोड है इन पर, जैसे आपके इनएक्टिव हो गए ग्रेफाइट के हो गए बेटा, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड हो गए, इन सारी चीजों पे। और दो चीजें ये हो गई जो डायरेक्टली, और तीसरी बात है बेटा कंसंट्रेशन पे, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ज्यादा है तो डिपॉजिट पहले होगा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये तीन चीजों बेटा कौन सी चीज डिपॉजिट होगी वो डिपेंड करती है। अब ये है कि ये पहले से हम कैसे बता सकते हैं कौन सी डिपॉजिट होगी, तो जैसे बेटा मान लो आपने कोई सोल्यूशन लिया है, मान लीजिए आप एक्वस कॉपर सल्फेट लिए हैं, एक्वस कॉपर सल्फेट मान लीजिए आप लिए हैं और आप डिपॉजिट करने जा रहे हैं प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, तो सबसे पहले जब इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे ना बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस यही तो पढ़े थे सोल्यूशन को ब्रेक करना, तो एक्वस कॉपर सल्फेट है बेटे अगर यहाँ पे, तो कॉपर सल्फेट बेटा ये ब्रेक होगा, कैसे ब्रेक होगा बेटा कॉपर सल्फेट, यहाँ पे यहाँ ब्रेक होगा बेटा ऐसे, कॉपर प्लस प्लस में बेटा और सल्फेट माइनस माइनस बेटा, ठीक है, कॉपर प्लस प्लस में और सल्फेट माइनस माइनस में बेटा, ठीक है। अब इसके बाद बेटा एक्वस है, एक्वस का मतलब हुआ बेटा यहाँ वाटर भी है, यहाँ वाटर भी है बेटा, तो वाटर कैसे ब्रेक होगा, एच प्लस में बेटा ओ एच माइनस में। अब हम सबको पता है कि कैटायन हमेशा कहाँ जगह डिपॉजिट होते हैं, कैथोड पे, आपसे पीछे बात भी किया था, एनायन हमेशा एनोड पे डिपॉजिट होते हैं, सी फॉर कैटायन, सी फॉर कैथोड, ए फॉर एनायन, ए फॉर एनोड, ठीक है। और यहाँ पे एनोड पे कैसा चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है इनके, अब कैथोड पे निगेटिव, दूसरा वाला जो गैल्वेनिक सेल होता है उसका अपोजिट चार्ज होता है, ठीक है। तो कैटायन कैथोड पे जाएंगे जो कैथोड निगेटिव है, एनायन एनोड पे जाएंगे जो एनोड पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आप देखिए, अब आपके पास दो दो कैटायन है, दो दो कैटायन है, दो दो एनायन है, तो इसमें होता है बेटा कंपटीशन, कौन जाके डिपॉजिट होता है, कौन जाके डिपॉजिट होगा कैथोड पे दोनों कैटायन में से, और कौन जाके डिपॉजिट होगा बेटा एनोड पे दोनों एनायन में से, ये कंपटीशन होता है। और ये कंपटीशन कैसे डिसाइड होता है कि कौन जाके डिपॉजिट होगा बेटा, वो इस चीज पे डिपेंड करता है बेटा, कि एलिमेंट जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बेटा नीचे है वो पहले डिपॉजिट होगा, इलेक्ट्रोड का नेचर क्या है और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इन सी चीजों पे कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस या एलिमेंट उसकी कंसंट्रेशन क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो अब तुम बताओ कि हाइड्रोजन और कॉपर में कौन ज्यादा नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो तुम लोग देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हम पीछे लेक्चर्स में पढ़ा चुके हैं, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने पढ़ाया हुआ है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसमें है और मैंने पीछे लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है, जो पीछे चैट बॉक्स है उसमें आप जाकर देखोगे, तो एक जगह मैंने कहानी बनाया था लेके 12 सरदार का नाम मांगे अली महान, ऐसे करके कहानी ना, तो उसमें मैंने बताया कि देखो अली का नाम आ रहा है, तो उसमें जो है ये कहानी मैंने शेयर किया था आपके साथ, काफी पहले पढ़ाई थी, अभी जल्दी की बात तो नहीं, एग्जैक्ट कुछ समय पहले की क्लास में मैंने इसको पढ़ा था, मैं ये पीछे जा रहा हूँ आपके साइड में, आप देख भी रहे होंगे, तो ये जो है बेटा मैंने इसको पढ़ा था, तो उसमें आप देखोगे कि हाइड्रोजन और कॉपर में कौन नीचे है, ये वाला लेक्चर पढ़ा था, और ये मैं आपके साथ स्क्रीन पर भी ये चीज आपको दिखा देता हूँ, मैं कहाँ पढ़ा था, जैसे ये वाला था बेटा, ये यहाँ पे देखिए आप हाइड्रोजन और कॉपर कौन नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेटा, तो आप ये कहोगे कि नहीं सर ये यहाँ पे कॉपर नीचे है हाइड्रोजन ऊपर है, यानी कि एक बात तो पक्की हो गई कि जाके यहाँ पे कौन डिपॉजिट होगा कैथोड पे फिर कैटायन की जगह पे, तो बेटा एक बात पक्की हो गई कैथोड पे जाएगा एच प्लस, और जो एच प्लस जाएगा बेटा तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा बेटा किसमें, ये दो लिख लीजिए यहाँ पे, दो इलेक्ट्रॉन लिख दिए बेटा एच टू में, तो कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है बेटा, ये रिडक्शन की रिएक्शन आपने दिखा दिया, तो एक चीज तो क्लियर हो गया बेटा कैथोड पे कौन गया हाइड्रोजन गया, क्यों गया पता चल गया ना, कैसे गया, जब एक से ज्यादा आयन हो जाएंगे बेटा कौन जाएगा ये बात डिसाइड करने के लिए। अब बेटा इसी तरह से एनोड पे कौन जाएगा बेटा, इसी तरह से बेटा एनोड पे कौन जाएगा एनायन, अब यहाँ दो दो एनायन भी है तुम्हारे पास, दो दो एनायन भी है बेटा, अब इन दोनों में कौन जाएगा बेटा, ठीक है, तो इन दोनों में कौन जाएगा इसका डिसीजन आपको लेना है कि इन दोनों में आपके पास OH भी है बेटा, आपके पास सल्फर भी है, तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि कौन जाएगा, तो सबसे पहली बात है बेटा इसका जो वाटर जो है जो बेटा जो OH है ये जाएगा बेटा, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी बेटा ज्यादा है अगर देखो तो, यहाँ और नीचे थोड़ा सा है भी बेटा ये, तो ये जाएगा सबसे पहले, तो OH माइनस जाएगा बेटा, OH माइनस जाएगा बेटा क्या बनाएगा H2O बनाएगा बेटा, और ऑक्सीजन निकलेगी बेटा यहाँ से, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे बेटा। अब यहाँ पर उस हिसाब से आप अगर लिखोगे ये दो जाएगा बेटा, ये हाफ हो जाएगा बेटा, और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, तो ये बेटा ऑक्सीजन गैस निकलती है, मतलब एनोड पे क्या निकली बेटा ऑक्सीजन, और कैथोड पे क्या निकला बेटा हाइड्रोजन, तो ये बात बेटा यहाँ से हमें पता चलती है, ये बात बेटा हमें क्लियर होती है, तो इलेक्ट्रोलिसिस बेटा यही है, ये किस कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करती है बेटा वो मैंने चीज समझाई आपको पूरा, किस बात पे डिपेंड करती है बेटा, इसके रूल क्या होते हैं बेटा, किस रूल के अकॉर्डिंग गवर्न होता है,
तो मैंने इसको शॉर्ट में समझा, हालांकि इसके बहुत ऐसा एग्जाम्पल अपने टेक्स्ट बुक्स में है बेटा। इलेक्ट्रोलिसिस ये चीज होती है बेटा कि कौन कैथोड पे जाएगा कौन एनोड पे जाएगा, कैसे हम डिटरमाइन करेंगे बेटा। उसके लिए तीन रूल है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बेटा नीचे होगा वो डिफाइंड होगा भैया पहले, और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड डिपेंड करता है बेटा, और कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड करता है बेटा किसका ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इसको बता सकते हो कि कब इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो क्या जाकर डिफाइंड होगा। अब इसी संदर्भ बेटा एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था फैराडे। मैं इसको और ज्यादा पढ़ाता हूँ बेटा, लेकिन ये थोड़ा सा अपने किताब में है नहीं, तो आपके लिए हो सकता है नॉन इंटरेस्टेड हो जाए। हालांकि मैंने कल आपके साथ क्वेश्चन शेयर किया था बेटा, उसमें भी एक क्वेश्चन में पूछा गया था ये चीज, उसमें भी इलेक्ट्रोलिसिस में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कल, मैंने जो आपसे क्वेश्चन शेयर किए थे नीट वाले। नीट क्वेश्चन बेटा कभी भी बाहर से नहीं आते, हमेशा जो पढ़ाया जा रहा बेटा उसी पाते हैं। कई बार न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होती है थोड़ी बहुत, ठीक है, तो थोड़ा बहुत चेंज होता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लगभग वही सारे क्वेश्चन बेटा बार बार आते हैं। तो आप कभी भी टेंशन ना लेंगे नेट वाले जो भी लोग हैं, मतलब आप लोग वैसे हम पूछते हैं कई बार तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है, बच्चे शेयर ही नहीं करते हैं, ठीक है, कई बार कि क्या करना है लाइफ में क्या नहीं करना है। अभी प्लान नहीं बनाया तो बहुत पिछड़ जाओगे सब लोग, इसलिए अपने भविष्य का सब लोग अपना प्लान बना कर रखो बेटा, कुछ ना कुछ करना आपको है। देखो हम लोग सिर्फ हेल्प करते हैं बेटा, अब कभी भी आप लोग तो जानते हो कि हमेशा आपके साथ हैं, कभी भी किसी भी तरह से आप परेशान नहीं होंगे, आपको हमेशा मोटिवेट करते रहेंगे, आपके साथ बने रहेंगे, ठीक है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और लोग तरह हम लोग को बेटा पर्सनालिटी भी नहीं है, आप देखते हो, और अपने टीचर्स से जो आपके होंगे उनसे थोड़ा अलग है, हम लोग प्रोफेशनल से बेटा, और टीचिंग को प्रोफेशनल तरीके से भी लेते हैं, और एक कहीं ना कहीं पैशनेट है इसके लिए। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बेटा सब पहले देते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इनका देखते हैं, सबसे पहला नियम क्या है बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, पता नहीं इसको हमको याद नहीं पड़ा, मैं पढ़ा हूँ इसलिए मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ, अगर पढ़ा होगा तो ठीक है दोहरा लेना। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस का सबसे पहला नियम जो है वो क्या है इसको चलो देखते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट होता है बेटा, जब मैं इसको पहले लिख देता हूँ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिख दूंगा तो ज्यादा आसान है आपके लिए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट होगा बेटा, डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, किसी इलेक्ट्रोड पर बेटा डिपॉजिट भी हो सकता है लिबरेट भी हो सकता है, हम लोगों ने दोनों देखा है। एट एन इलेक्ट्रोड किसी इलेक्ट्रोड पर बेटा जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा भैया या लिबरेट होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पिछले लेक्चर्स में देखा है मैंने, हम लोग काफी लेक्चर्स पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के, काफी लेक्चर हुए हमारे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप पीछे देखोगे तब प्रोपोर्शनल टू। अब बेटा ये क्लास 12 है, इधर जो है मैं तो कहूंगा यह बिल्कुल लापरवाही करने की जरूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ लिया जाए, ठीक है। हम कभी भी अपने बच्चों के लिए ये सपना नहीं देखते हैं कि कोई जाकर के पॉलिटेक्निक करेगा या कोई, मतलब सब बराबर है सब अच्छा है, लेकिन हमारे ड्रीम आपको लेकर बहुत ऊंचे रहते हैं, कई बार तो इतने ऊंचे रहते हैं कि जितना आप खुद नहीं सोच पाते हो, इसलिए जो है तो क्यों ऐसा रहता है, क्योंकि हमको पता है कि अगर आपको कट्टा खरीदना है तो आपको थोक खरीदने के बारे में सोचना पड़ेगा, ये पक्की बात है। और अगर आप पहले से कट्टा खरीदते हैं ना तो फिर वो जो आते चुटपुटैया आती नहीं ये थोक पटाखा वही खरीद पाएंगे, इसलिए जो है एम बड़े रखो, एम बड़े रखोगे तो छोटा वाला मिलेगा, और तुम लोग साथ क्या है पहले से छोटा एम बनाएंगे, और पहले छोटा एम बनाएंगे ना तो फिर कहीं एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे, दुनिया बहुत तेज चलती है और बहुत विशाल है, बड़ा एम रखोगे हमेशा, हम तुम्हें लोग को इसलिए डांटते हैं कि बड़ा नहीं सोचते हो, तो अमाउंट ऑफ मतलब इतना भी बड़ा मत सोचो जो आकाश से बाहर होगी हवा में उड़ने लगेंगे, ये सब नहीं होता, पर अपनी स्थितियों को देखते हुए अगर पढ़ नहीं रहे हो तो अपनी तरफ से कमी कर रहे हो, बस सीधी बात। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड जो होता है बेटा किसी इलेक्ट्रॉन पर, इसके प्रपोर्शनल होता है बेटा डायरेक्टली प्रपोर्शनल अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू द सॉल्यूशन। जैसे ये जो अमाउंट ऑफ चार्ज, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रोड है बेटा, इसमें कुछ भी तुमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया, एक सेल है इसमें इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, तो यहाँ से मान लो ये जिंक जो है जिंक आयंस के रूप में जा रहा है बेटा, तो कितना अमाउंट इसका बेटा इस सोल्यूशन में जा रहा है बेटा वो किस पर डिपेंड करेगा, कितना इस पर हम लोग चार्ज दे रहे हैं इसको बाहर से, कितना इसमें हमें सेल से पोटेंशियल दे रहे हैं बेटा उस पर डिपेंड करता है। यानी कि बेटा जितना अमाउंट डिपॉजिट होगा किस पर डिपेंड करेगा बेटा, चार्ज पे, चार्ज चार्ज क्यू, यानी कि बेटा डब्ल्यू क्या है बेटा यहाँ पे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड या लिबरेटेड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है बेटा डिपॉजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या डिपॉजिटेड, क्यू क्या है बेटा चार्ज एंड कूलाम, ये बेटा चार्ज है और चार्ज किसमें है बेटा, चार्ज इन कूलाम है बेटा, कूलाम में चार्ज है बेटा, कूलाम में भैया चार्ज है ये, ठीक है, कूलाम में चार्ज है। तो ये W बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये जेड क्यू हो जाएगा, और इस चीज को हटाएंगे बेटा तो यहाँ पे जेड क्या है बेटा, एक कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट तो नहीं है, इसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं बेटा,
इक्विवेलेंट, ठीक है। अब यहां से बेटा तुम चाहो तो इसकी डिफिनेशन तक प्रिपेयर कर सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस की। कैसे बना लोगे बेटे इसकी डिफिनेशन, कैसे बना लोगे भैया? चलो देखते हैं कैसे बना लोगे, बहुत इजीली बना लोगे। जैसे बेटा यहाँ पे अगर तुम मान लो वेन क्यू बराबर एक कूलाम, जब क्यू बराबर बेटा वन कूलाम जब क्यू बराबर तुम्हारा है, ठीक है, एक कूलाम है बेटा, ठीक है, कूलाम कूलाम आप जानते हो कि चार्ज यूनिट है। तो इस समय क्या हो जाएगा बेटा, इस समय डब्ल्यू बराबर जेड हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा डिफिनेशन अपने तुम प्रिपेयर कर सकते हो जेड की, बोल सकते हो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वन कूलाम चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ऐसे डिफाइन कर सकते हो। दस amount of charge की बेटा वो amount, ठीक है, 10 amount of charge deposited by, ठीक है, इससे one coulomb charge deposited by one coulomb charge is called as, इसको क्या बोलेंगे भैया, electrochemical equivalent is called as electrochemical इक्विवेलेंट। ऐसे डिफिनेशन बना सकते हो। अब ये सब क्या है, कठिन थोड़ी है कुछ भी। एक मान लिया उसको तो W बराबर Z आ गया। अब इसको अपना सिर खपाने पकड़ बैठ जाओ, परिभाषा याद करनी है। यार याद क्या करनी है यार, कुछ नहीं करनी है, समझना है चीजों को, बस अपने दिमाग रखना है कि इसके बाद ये होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, ठीक है। अच्छा देखो आगे, जब कभी जो है एक एम्पियर करंट को पास करते हो, अगर 30 सेकंड के लिए मान लो लेट वन एम्पियर करंट या आई एम्पियर करंट मान लेते हैं, चलो आई एम्पियर मानते हैं, अच्छा आई एम्पियर करंट को बेटा अगर तुम पास करते हो पॉजिटिव 30 सेकंड, तो बेटा यहाँ पे देन क्यू बराबर क्या हो जाता है बेटा, आईटी हो जाता है। क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आरटी। अब बेटा यहाँ पे डब्ल्यू बराबर फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पे आईटी इसकी वैल्यू रख देंगे। अगर आई एम्पियर करंट को बेटा अगर हम 30 सेकंड के लिए पास कर रहे हैं तो क्यू बराबर आई टी आपको पता ही है। यहाँ पे W के साथ में जो वैल्यू है वहां पे क्यू बराबर आई टी की उसको पुट करेंगे हम लोग। जब इसको पुट कर देंगे वैल्यू को बेटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे W बराबर क्या हो जाएगा, जेड आई टी। अब ये एक हमारा फार्मूला बन जाता है बेटा, W बराबर कितना हो गया बेटा, जेड आई टी, ठीक है। और अभी इसमें हमको बहुत कुछ बताना है, तो देखते हैं साइड में कहीं जगह होगी तो मैं बताता हूँ अभी आपको जोड़ करके चीजें। हाँ यहाँ पे जगह है, या ये जगह क्या होता है, एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं सारी चीजें जब पढ़नी है। तो ये अभी था जो मैं आपको बता रहा था ये चीज, और छोटा करना पड़ेगा क्या इसको थोड़ा सा, एग्जैक्टली मैं बहुत ज्यादा छोटा हो गया, अभी दिख नहीं रहा हूँ। ये चीज मैं आपको बताता, ये यहाँ थोड़ा नीचे भी हो गया और ऊपर में करता हूँ ये। तो ये अपना टॉपिक था अभी का, और आप चाहते हैं स्क्रीन शॉट लेना चाहते ले सकते हैं। अब इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ बेटे, इसी को आगे बढ़ा रहा हूँ भैया। तो आप देखिए, अब चूंकि अगर आपसे कोई पूछे कि चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है बेटा, बताओ चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट, तो फैराडे होती है बेटा। वन फैराडे बराबर कितना होता है, वन फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। ये चार्ज की बेटा सबसे बड़ी यूनिट होती है। एक फैराडे क्या होती है बेटा, चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट होती है, ठीक है। ये कितना चार्ज होता है बेटा, ये चार्ज ऑन वन मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन मोल इलेक्ट्रॉन, वन मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है बेटा, ठीक है। वन मोल इलेक्ट्रॉन में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, अगर आप निकालो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं, 6.023 × 10^23 होते हैं। एक मोल में कितने एटम होते हैं बेटा, प्लस उसका चार्ज कितना होता है, इतना होता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही वाली ऊपर वाली वैल्यू मिलेगी तुम्हें, 6,500 वाली, ठीक। तो ये बात पता चल चुकी है कि एक फराडे में कितना चार्ज होता है बेटा, एक फराडे में। ये बात अभी पिछले पेज से ये पता चली है कि एक फराडे बराबर होता है चार्ज हमारा 96,500 कूलाम। तो मुझे ये बताओ कि तो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है कूलाम वाली, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, आप सबको ये बताना है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, मुझे बताइएगा, ठीक है, अपने फिजिक्स के टीचर से पूछ के। चार्ज ऑन वन मोल इलेक्ट्रॉन है बेटा, चार्ज ऑन वन मोल इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा कुछ साउंड का इशू आ रहा है, मैं जरा चेक करता हूँ क्या इशू आ रहा है, किसी का माइक ऑन है क्या, कुछ इशू फेस हो रहे हैं साउंड को लेकर के। साउंड तो बेटा सभी के आप हैं, साउंड तो सभी का आप है, थोड़ी सी भड़बड़ाहट आ रही है, अभी देख लेंगे हम क्या है। ये चार्ज ऑन वन मोल इलेक्ट्रॉन था भैया जैसे आपसे बात कर रहा था मैं। अच्छा
वन फ्राइडे चार्ज रिक्वायर्ड टू लिबरेट डिपॉजिट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सर्टेन करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको ऐसे डिफाइन किया गया है, मैं लिख दे रहा हूँ इस बात को। एक फ्राइडे बेटा एक ऐसा चार्ज है बेटा जो लिबरेट करता है, डिपॉजिट करता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सर्टेन एट करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड, अपने करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड बेटा इतना करता है। तो वन फ्राइडे ऑफ चार्ज, अभी मैं इसको समझा रहा हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा अपने मेरे को, ये थोड़ा सा मुझे अभी कुछ थ्योरी लिखना जरूरी है क्योंकि आप लोग भी नोट करते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट रखते हो, इसलिए मैं इसको थोड़ी चीजें लिखता हूँ तब समझाता हूँ। रिक्वायर्ड टू लिबरेट, ये बेटा वो चीज है जो रिक्वायर्ड होती है बेटा लिबरेट करने के लिए, क्या लिबरेट या डिपॉजिट करने के लिए बेटा, लिबरेट या डिपॉजिट करने के लिए बेटा 1 ग्राम ऑफ 1 ग्राम, 1 ग्राम बेटा इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट जैसे बोलते हैं ना उसी को बोल रहा हूँ मैं, ग्राम इक्विवेलेंट वही है, ऑफ ए सब्सटेंस एट करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड, ऑफ ए सब्सटेंस एट करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड। तो एक फ्राइडे बेटा चार्ज है, वो चार्ज है बेटा जो रिक्वायर्ड होता बेटा इसके लिए लिबरेट या डिपॉजिट करने के लिए बेटा 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस एज करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड, किसी इलेक्ट्रोड करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड बेटा ये डिपॉजिट करने के लिए आवश्यक होता है। जैसे मान लो बेटा किसी इलेक्ट्रोड पे सिल्वर है, जैसे ये सिल्वर है तो Ag+ है बेटा, Ag+ को एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये चेंज हो जाता बेटा Ag। तो यहाँ पे बेटा कितना फैराडे चार्ज लग रहा है, मान लो तुमसे ऐसा क्वेश्चन आ गया कितना फैराडे लग रहे हैं बेटा, तो यहाँ पे क्या करोगे, इसका जानते हो तुम सिल्वर का मास होता है 108 ग्राम और ये चार्ज कितना है, एक है, एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे बोलोगे आप एक फैराडे से कितना डिपॉजिट हो रहा है बेटा 108 ग्राम, ठीक है। वैसे जानने के लिए जान लो क्यू बराबर होता है NF, N मतलब नंबर ऑफ फैराडे होता है, जितना चार्ज रहेगा जितना इलेक्ट्रॉन, N क्या होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो अगर चार्ज निकालोगे ना तो यहाँ देखो एक इलेक्ट्रॉन तो एक फैराडे हो गया, एक फैराडे से कितना 108 ग्राम। ऐसे बेटा किसी इलेक्ट्रोड पे अगर कॉपर 2+ रहे कभी और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो कॉपर बन रहा है मान लो, तो यहाँ पे कितना लिखोगे तुम, कॉपर का मोलर वेट कितना होता है 63.5 होता बेटा, ठीक है 63.5, तो यहाँ पे 2 फैराडे डिपॉजिट कर रहा कितना 63.5 ग्राम। अब आपसे पूछे तो फिर 1 फैराडे से कितना हो जाएगा बेटा, तो 63.5/2 हो जाएगा बेटा इतना ग्राम। और तुमसे कोई पूछे कॉपर 2+ का इक्विवेलेंट वेट भी निकालो, तुम कैसे निकालते हो, मोलर वेट 63.5/ कितना चार्ज है 2 करते हो, तो वही सेम चीज तो हुआ ना, इसलिए यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट वर्ड यूज किए हैं। देखो ये एक फ्राइडे एक ऐसा चार्ज है बेटा जो रिक्वायर्ड होता है लिबरेट करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए किसके, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस। तो देखो 1 ग्राम इक्विवेलेंट, एक फ्राइडे चार्ज वही है ना जो इसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर सब्सटेंस को डिपॉजिट करा रहा है। ऐसे पे न्यूमेरिकल दिए हैं, ये जो मैं लिखा हूँ ना एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है ऐसे, अभी देखता हूँ अब थोड़ा और पढ़ा लूँ तो हम न्यूमेरिकल एनसीईआरटी आज पूरा लगाएंगे पीछे का, तो अब इसको थोड़ा सा और पढ़ा लेते हैं तब आगे चलते हैं, कुछ चीजें और यहाँ ज़ूम करते हैं। तो जो हमारे प्यारे बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वर्तमान में, वो चाहे तो एक स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहे तो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हो गया है इतना, तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटे थोड़ा सा तो आगे चले। बहुत अच्छा भैया, मान लीजिए लेट आगे चलते हैं लोग, लेट थोड़ा सा बोरियत हो सकती है पर ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है। और बोरियत किस बात की, जब आप पढ़ रहे हैं आप कंसंट्रेशन है तो आप पढ़िए। देन ई ग्राम बिल डिपॉजिट है, न्यूमेरिकल्स वाला टॉपिक है तो ऐसे थोड़ा थोड़ा होता है। ई ग्राम बिल बी लिबरेटेड बाई, ई ग्राम बिल बी लिबरेटेड बाई, कितने से लिबरेट होगा बेटा, लिबरेटेड बाई मतलब इक्विवेलेंट वेट कितने से लिबरेट होता है, 96,500 कूलाम से। अभी पढ़ना एक फ्राइडे से लिबरेट होता है इक्विवेलेंट वेट के बराबर मास, ठीक है। अगर लेट ई इक्विवेलेंट वेट है देन ई ग्राम बिल बी लिबरेटेड बाई 96,500 कूलाम, तो फिर 1 कूलाम कितना लिबरेट करेगा बेटा, 1 कूलाम यूनिटरी मीटर से कितना लिबरेट करेगा, इतना बिल लिबरेट, ये कितना लिबरेट करेगा भैया, ये लिबरेट करेगा ई अपान 96,500 कूलाम बेटा, इतना कूलाम लिबरेट करेगा। तो बाई डिफिनेशन अगर डिफिनेशन पे तुम जाओ, डिफिनेशन जैसा भी आप देखे थे थोड़ी पहले, तो बाई डिफिनेशन अगर आप देखोगे बेटा तो ये जेड के बराबर की राशि हो जाती है, जेड बराबर हो गया बेटा 96,500, ये आ जाता है बाई डिफिनेशन बेटे। और अभी तुमने पढ़ा था इसके आगे वाला पॉइंट ये था कि डब्ल्यू बराबर पढ़ा तुमने जेड आई टी, यानी कि अगर तुम साठ फार्मूला बनाओ तो ये बन गया बेटा ई बराबर 96,500। ये बहुत ही जबरदस्त फार्मूला है बेटा, कुछ भी सब कुछ भूल जाओ ना तो ये फार्मूला जबरदस्त आंसर लाता है, परीक्षा के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू के लिए बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला फार्मूला। तो ये महा इंपॉर्टेंट फार्मूले को कहीं नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो एक टॉपिक ये था, अब एक सेकंड लगा बता दूं तो फिर आपको फटाफट न्यूमेरिकल कराऊं मैं, एक सेकंड लगा आप इलेक्ट्रोलिसिस बता दूं तब आपको न्यूमेरिकल कराऊं मैं, सेकंड लगा इलेक्ट्रोलिसिस।
बहुत बार बहुत बच्चों के जो हम बोलते हैं बेटा वो आपको बुरा लगता होगा, लेकिन हम इसको बोलना अपना कंटिन्यू करेंगे। वजह यह है कि हम नहीं चाहते कभी आप जब बड़े हो जाएं और समझदार हो जाएं कभी ये कहें कि इस टीचर ने हमारी प्रॉपर मदद नहीं किया। हम आपको कहेंगे जो अभी हमको लगता है कि आपको करना चाहिए, अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो हम आपको टोकेंगे, कहेंगे, क्योंकि आपसे उम्र बड़े हैं और एक रिस्पेक्टेड पोस्ट पर है, रिस्पेक्टेड जगह है, तो हम हमेशा कहेंगे कि हमारे बच्चों ये करो तो ज्यादा अच्छा है। सब बहुत पोटेंशियल वाले लोग हैं। कुछ लोग हमने देखा है यूट्यूब वीडियो शूट करते हैं, बहुत अच्छा शूट करते हैं, तो समझ लीजिए बहुत पोटेंशियल वाले लोग हैं, बहुत क्षमताओं वाले लोग हैं। और इसलिए जो है जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, तो अच्छा करिए आप लोग, रेगुलर पढ़िए। कुछ लोग भागते हैं, पढ़ाई से भागते हैं, तो उसका कोई विकल्प नहीं। अगर आपको पास होना, अच्छा नंबर आना, तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा ही। When same amount of charges passed, कुछ लोग यूपी बोर्ड में भी भाग जाते हैं क्योंकि उनको वहां पर कुछ सीटिंग उटिंग सुविधाएं मिल जाती हैं। सबसे इस समय का सबसे घटिया बोर्ड है जहां पर टीचर्स वगैरह जो हैं बहुत लोग जो है इन्वॉल्व रहते हैं, कोई चीटिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, एक आध स्कूल को छोड़ दीजिए। तो सेकंड लाभ इलेक्ट्रोलाइटिक बेटा, when some same amount of charges passed through different electrolytic solution, different electrolytic solution बेटा, जब सेम चार्ज को पास करते हो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज जो बेटा एक सीरीज में होते हैं, कनेक्टेड इन सीरीज जो एक सीरीज में बेटा कनेक्टेड होते हैं, देन वेट ऑफ जो सब्सटेंस, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड जो बेटा डिपॉजिट होता है एट इलेक्ट्रोड्स, एक्स्ट्रा काउंट कहां से आ रहा है, एट इलेक्ट्रोड्स आर इन रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट्स, वो उनके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो होता है, मतलब बेटा डब्ल्यू वन अपॉन डब्ल्यू टू बराबर ई वन अपॉन ई टू। अभी तुम लोग समझे नहीं होगे क्या मैंने बताया है, मैं ये बता रहा बेटा, जैसे तुम्हारे पास कई सेल है, सभी सेल में बेटा सब सीरीज में जुड़े हैं, इस मामले में सब में सेम इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, सब में बेटा सेम इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, सेम चार्ज बेटा सब में जा रहा है। जब सेम चार्ज सब में जा रहा है, सब में सेम चार्ज फ्लो हो रहा है बेटा, तो यहाँ पे जो सब्सटेंस डिपॉजिट होता है बेटा, और इसके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो में होता है बेटा, जो सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होगा, मैं डिपॉजिट दिखाऊँ पर डिपॉजिट हो सकता है बेटा, लिबरेट भी हो सकता है, तो ये बात थी बेटा। अब इस पर जब न्यूमेरिकल करोगे भैया, तब अभी न्यूमेरिकल तुरंत करते हैं, सेकंड लॉ पे बेटा तुरंत एक न्यूमेरिकल लिखता हूँ कि एग्जैक्टली 0.4 फैराडे। मैं लिखूँ क्या, हमारे पास जब है तो मैं आपको एक किताब से बेटा इसके स्क्रीनशॉट खींच के दे देता हूँ। अब धीरे धीरे कोचिंग से स्कूल धीरे धीरे खुल जाएगा बेटा, स्कूल खुल जाएगा तो सब लोग जो है, ये मैं भेज रहा हूँ आपको बेटा ये क्वेश्चन अपना, और इसलिए क्वेश्चन को मैं स्क्रीन शॉट कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम मेरा बच जाएगा, प्लस प्रिंटेड रहेगा तो आपको साफ साफ दिखेगा। तो एक क्वेश्चन मैं भेज रहा हूँ बेटे, ये क्वेश्चन रहा इसी पे, सेकंड लॉ पे एक क्वेश्चन मैं आपको भेज दे रहा हूँ। चलिए ये आप अभी चैट बॉक्स में बेटा देखोगे तो वहाँ एक क्वेश्चन जा चुका भैया, एक क्वेश्चन वहाँ पे आपके साथ शेयर है, तो चलिए हम भी वहाँ पे चलते हैं चैट बॉक्स में आपके और ले आते हैं क्वेश्चन को। आज तो काफ़ी बच्चे हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सभी बच्चे जो है मेहनत कर रहे हैं, लगे हैं। चलिए ठीक है, मैं इसको अभी स्क्रीन शॉट से एक मिनट, फिर से अगेन मुझे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम कई बार लग जाते हैं। तो एग्जैक्टली 0.4 फैराडे इलेक्ट्रिक चार्ज पास थ्रू थ्री इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फर्स्ट बी जून, ठीक है। तो ले आते हैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे स्क्रीन पे, आपको ये रहा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका ये सेकंड लॉ पे था, इसके बाद फर्स्ट लॉ के बहुत से हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे साथ में। तो इस क्वेश्चन को मैं करता हूँ थोड़ा सा बड़ा ताकि आपको स्क्रीन पर दिखे, नजर आए थोड़ा सा, ये ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन है तो एग्जैक्टली 0.4 फैराडे, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बेटा, इसको हम लोग कर रहे थे यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन है ठीक, तो क्वेश्चन क्या है, एग्जैक्टली 0.4 फैराडे बेटा, यहाँ पे देख रहे हो 0.4 फैराडे है, एग्जैक्टली 0.4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू थ्री इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इन ए सीरीज। तीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है बेटे सीरीज में लगे हैं, जैसे ये एक सेल है बेटा, फिर दूसरा सेल लग गया, फिर तीसरा सेल, एक में बेटा तुम्हारा है AgNO3 है बेटे, और एक में बेटा कॉपर सल्फेट है बेटे,
और एक में है बेटा आयरन क्लोराइड। अब तीनों में बेटा कितना चार्ज तुम भेज रहे हो, तीनों में बेटा तीनों में ये इलेक्ट्रोड लगा, ऐसे इलेक्ट्रोड लगा है। मैं सेल का चित्र बना रहा हूँ जो लिखा है इसमें, और यहाँ बेटा 0.4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी तुम दे रहे हो। पूछ रहे हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ईच मेटल विल बी डिपॉजिटेड एज्यूम ओनली कैथोडिक रिएक्शन। केवल कैथोडिक रिएक्शन देखते हुए बेटा ये बोल दूँ कि कितना डिपॉजिट हो रहा है। तो चलो देखते भैया, देखो AgNO3 का मतलब क्या हो बेटा, Ag+ जो है ये बेटा एक इलेक्ट्रॉन ले करके किसमें बदल रहा है, Ag में। केवल कैथोडिक रिएक्शन देखना हमें, और कैथोड पे क्या होता है बेटा हम सबको पता है, कैथोड पे क्या होता है, कैथोड बेटा रिडक्शन होता है, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन का गेन। तो ये रिएक्शन। अब यहाँ से कैथोड मैं एक एक सेल पर निकालता हूँ, तो यहाँ पे क्या पता चला बेटा, यहाँ पे ये पता चल रहा है कि Ag+ जो है बेटा वो एक इलेक्ट्रॉन लेके, यानी Ag का मोलर वेट कितना बेटा 108 ग्राम, एक फैराडे बेटा 108 ग्राम डिपॉजिट होता है, एक एक करके लगाते हैं, एक फैराडे कितना 108 ग्राम। तो तुम ये बताओ 0.4 फैराडे से कितना ग्राम हो जाएगा, जो हमें क्वेश्चन पूछा है। तो 108 इंटू कितना हो जाएगा बेटा 0.4, तो ये कितना आ जाएगा बेटा ऐसे सॉल्व करोगे 43.2 ग्राम। तो ये आ गया पहले के अमाउंट। अब दूसरा बेटा कापर, कापर सबको आयन से बदल हम लोग करते हैं, कापर दो इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा, ये बदल गया कापर में। तो यहाँ पे दो फैराडे, जितने इलेक्ट्रॉन है उतना फैराडे, और कितना ग्राम कापर है बेटा 63.5 इसका मोलर मास है, मोलर वेट है, पीरियोडिक टेबल रखते हैं सब लोग देख लिया करो। तो ये इतना है, दो फैराडे से इतना डिपॉजिट हो रहा बेटा, तो टू फैराडे से डिपॉजिट हो रहा 63.5 ग्राम कापर। तो बेटा वन फैराडे से कितना डिपॉजिट होगा कापर, तो अब तुम कहोगे वन फैराडे से डिपॉजिट होगा सर 63.5 अपॉन 2 ग्राम ऑफ कापर, इतना ग्राम कापर बेटा डिपॉजिट होता है, इतने ग्राम कापर बेटा डिपॉजिट होता है इतने से, ठीक, इतना ग्राम कापर बेटा डिपॉजिट होता है। तो फिर 0.4 से कितना होगा बेटे, 0.4 फैराडे से कितना होगा बेटा 63.5, अभी आवाज चली गई सही हो गया, फिर 0.4 हो जाएगा बेटा। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे भैया आप, तो ये आ जाएगा 12.7 ग्राम, ये हो गया बेटा कापर का। अब भैया हमारे पास तीसरा, अब हमारे पास तीसरा वो है Fe3+, ये बेटा तीन इलेक्ट्रॉन लेता है तो Fe में चेंज होता है, और Fe का मोलर मास बेटा तुमको बताऊं कि 56 ग्राम होता है, 56 ग्राम डिपॉजिट होने के लिए बेटा तीन फैराडे, यानी कि तीन फैराडे बेटा डिपॉजिट हो रहा है 56 ग्राम। तो एक फैराडे बेटा कितना हो जाएगा, तुमको 56/3 ग्राम, तो बेटा 0.4 फैराडे कितना हो जाएगा 56/3 to 0.4, अब कितना आएगा भैया यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे इसको, जब सॉल्व कर लेंगे बेटा ये आ जाता लगभग 7.47 ग्राम। तो देखा आपने कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते बेटा, अभी अपने NCERT में दिया है जो कि कल हम लोग करने वाले हैं अगली क्लास में। तो ये क्वेश्चन बेटा ऐसे सॉल्व होते हैं, ये पूरा आपके सामने सोल्यूशन है भैया, क्वेश्चन भी है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, और मुझे लगता है ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और मेरा इंटेंशन समझिए, आप सब लोग मेहनत करिए, आप सब लोग के साथ हैं, हम चाहते हैं बेटा कि जितना मुझे मिलता है उसका कई गुना आपको लौटा के दें। और सच बताएं आपके बहुत ढेर सारे लोग, आपके बहुत ढेर सारे टीचर्स आएंगे बेटा, पर बहुत ही ऐसे कोई नहीं आएंगे जो नीट क्वालिफाई करेंगे और आपको पढ़ाएंगे, बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं कहता हूँ आप मेरा यूज करिए और खूब पढ़िए, खूब मेहनत से पढ़िए, आप सबके साथ हमेशा है। तो आज की क्लास बेटा यहाँ पे हमें खत्म करना है, ठीक है, चलिए धन्यवाद।